इस वीडियो में हम लोग बी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल में एक टॉपिक डस्टिंग पाउडर का प्रिपरेशन जानेंगे। डस्टिंग पाउडर जिसका क्वांटिटी हम लोग 5 ग्राम ले रहे होंगे उसका प्रिपरेशन जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फॉर्मूला डस्टिंग पाउडर का जो मास्टर फॉर्मूला है वो है प्यूरिफाइड टाल 50 ग्राम, स्टार्क जो पाउडर के फॉर्म में होगा वो 25 ग्राम और जिंक ऑक्साइड 25 ग्राम। ये बेसिकली 100 ग्राम डस्टिंग पाउडर का फॉर्मूला है, डस्टिंग पाउडर प्रिपरेशन फॉर्मूला है। अब हम लोग को जानना तो है 5 ग्राम के लिए, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है 5 ग्राम प्रिपरेशन ऑफ डस्टिंग पाउडर। तो प्यूरिफाइड टाल्क हम कितना लेंगे 5 ग्राम के लिए, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो आएगा हमारा 2.5 ग्राम, स्टार्च हमारा आ जाएगा 1.25 ग्राम, जिंक ऑक्साइड भी हमारा आ जाएगा 1.25 ग्राम। अगर हम यही 10 ग्राम के लिए लेंगे क्वांटिटी और 10 ग्राम, ये हमारा 5 ग्राम हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा डायरेक्टली, ये 2.5 ग्राम हो जाएगा और हमारा जिंक ऑक्साइड भी 2.5 ग्राम हो जाएगा। थ्योरी सेक्शन में हम लोग सबसे पहले डस्टिंग पाउडर के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं 5 ग्राम ऑफ डस्टिंग पाउडर बनाने में उसके बारे में जानेंगे। डस्टिंग पाउडर एक हमारा बल्क पाउडर डोजेस फॉर्म है, बल्क पाउडर डोजेस फॉर्म, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंडर में आता है। डस्टिंग पाउडर को हम बल्क पाउडर के तौर पे डिस्पेंस करते हैं। डस्टिंग पाउडर आर डिस्पेंस्ड एज बल्क पाउडर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन to the skin for their antiseptic absorbent lubricative or protective action। डस्टिंग पाउडर जिसको हम बल्क पाउडर के तौर पे डिस्पेंस करते हैं, जिसका यूज बेसिकली टॉपिकली होता है, मींस दैट एक्सटर्नल यूज होता है, स्किन पे इसका यूज होता है। जो डस्टिंग पाउडर एक हमारा मेडिकेटेड पाउडर रहता है का प्रॉपर्टी, या तो उसमें एंटीसेप्टिक एक्शन हो सकता है, एब्जॉर्बेंट टाइप ऑफ एक्शन हो सकता है, प्रोटेक्टिव एक्शन हो सकता है। वेरियस डस्टिंग पाउडर में वेरियस इंग्रेडिएंट्स मौजूद रहते हैं और उसका थेरेप्यूटिकल इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे डस्टिंग पाउडर को हम लोग डिस्पेंस कैसे करते हैं। तो जनरली डस्टिंग पाउडर इज डिस्पेंस्ड इन सिफ्टर टॉप वाइड माउथ कंटेनर, सिफ्टर टॉप वाइड माउथ कंटेनर का मतलब जो कंटेनर आप लोग घर में देखते होंगे जिसमें पाउडर मौजूद रहता है, जो पाउडर कंटेनर रहता है उसी को हम लोग बेसिकली सिफ्टर टॉप वाइड माउथ कंटेनर कहते हैं। अब हम लोग जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहा है डस्टिंग पाउडर के प्रिपरेशन में उसके बारे में जानेंगे। तो टाल्क के बारे में हम लोग जानते हैं, प्यूरिफाइड टाल्क। तो टाल्क क्या है, टाल्क हमारा मिनरल है, टाल्क इज ए मिनरल इंग्रेडिएंट and may be contaminated with a spores of Clostridium tetani, source of tetanus। टाल्क को बेसिकली हम एक प्रोटेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज प्रोटेक्टेंट जनरली
प्रोटेक्टेंट के तौर पे हम टाल्क या फिर कोलिन को यूज करते हैं, तो जब हम प्रोटेक्टेंट के तौर पे यूज करेंगे तो इसको स्टरलाइज होना जरूरी है। देयरफॉर इफ यू आर यूजिंग टाल्क और कोलिन एज प्रोटेक्टेंट तो उसको स्टरलाइज होना जरूरी है। टाल्क एंड कोलिन टू मीन्स दैट कोलिन टू मस्ट बी स्टरलाइज्ड बिफोर यूजिंग इन द प्रिपरेशन। By heating at 160 degree Celsius for 1 hour. जब हम लोग 1 hour तक 160 degree Celsius पे टाल को हीट करेंगे तो हमारा स्टरलाइज हो जाएगा। प्यूरिफाइड टाल्क मीन्स दैट स्टरलाइज टाल्क क्या होता है, ये बेसिकली एक प्यूरिफाइड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। फॉर्मूला 3 Mg O 4 SiO2 H2O। जो प्यूरिफाइड टाल्क रहता है उसका यूज क्यों हम कर रहे हैं डस्टिंग पाउडर के प्रिपरेशन में, तो प्यूरिफाइड टाल्क has excellent flow and lubricant property and therefore it is used in many dusting powders. जो स्टार्च पाउडर के फॉर्म में यूज हो रहा है, स्टार्च यूज्ड इन पाउडर फॉर्म इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन एक्ट एज एन एब्जॉर्बेंट। स्टार्च जो पाउडर फॉर्म में हम इसमें यूज कर रहे हैं डस्टिंग पाउडर के प्रिपरेशन में, वो एक एब्जॉर्बेंट के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद जो और मेरा एक इंग्रेडिएंट है जिंक ऑक्साइड वो एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है, एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक एंड एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर कंटेंट। अब हम लोग डस्टिंग पाउडर में बोरिक एसिड का यूज नहीं करते हैं। डस्टिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना अमाउंट में हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको सबसे पहले हम वेइंग स्केल पे वेट कर लेंगे। वे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड जो हमें रिक्वायर्ड कितना है 2.5 ग्राम, स्टार्च जो कितना हमें रिक्वायर्ड है 1.25 ग्राम और जिंक ऑक्साइड जो हमें कितना रिक्वायर्ड है 1.25 ग्राम। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड है ये हमारा, सबसे पहले वेट करेंगे उसके बाद हम लोग मिक्स करेंगे जिंक ऑक्साइड को, मिक्स जिंक ऑक्साइड विद स्टार्च। स्टार्च हमारा भी पाउडर फॉर्म में है एंड देन इनकॉर्पोरेट द प्यूरिफाइड टाल्क। सबसे पहले जिंक ऑक्साइड और स्टार्च को हम लोग मिक्स कर लेंगे 1.25 और 1.25 ग्राम को, उसके बाद ये 2.5 ग्राम इधर हो जाएगा। उसके बाद उसमें हम लोग प्यूरिफाइड टाल्क 2.5 ग्राम इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके बाद फिर मिक्स करेंगे, मिक्स थ्रूली एंड पास द मिक्स्ड पाउडर
थ्रू अ सीव, सीव नंबर 120 टू रिमूव ग्रिटी पार्टिकल्स। जब हम लोग मिक्स कर लेंगे जिंक ऑक्साइड और स्टार्च को, उसका जब हम प्यूरिफाइड टैल्क उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे, उसके बाद हम लोग फिर उसको थोरोली मिक्स करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको सीव नंबर 120 से पास आउट करेंगे। नोट करके लिखना है, सीव नंबर 120 इज यूज्ड टू सेपरेट पाउडर इन ग्रेड वेरी फाइन पाउडर। कोई भी आपका पाउडर 120 सीव नंबर से पास आउट हो जाएगा तो वो किस ग्रेड में आएगा? वेरी फाइन पाउडर्स में आएगा। ये साइज सेपरेशन में आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना है। उसके बाद मेरा प्रोसेस है, आफ्टर सिफ्टिंग मीन्स इट आफ्टर सेपरेशन ऑफ वेरी फाइन पाउडर, होल ऑफ द पाउडर must again be lightly mixed जब 120 सीव से पाउडर पास आउट हो जाएगा तो वो वेरी फाइन पाउडर हो जाएगा। ये एक सिफ्टिंग प्रोसेस है। उसके बाद सिफ्टिंग प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जो पाउडर है उसको फिर से हम लोग लाइटली मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग ट्रांसफर कर देंगे फॉर्मुलेशन को एक अप्रोप्रिएट कंटेनर में। Transfer the formulation to an appropriate container. Appropriate container का मतलब हो गया sifter top wide mouth container। इसके बाद हम लोग यूज जानते हैं। तो डस्टिंग पाउडर का यूज टॉपिकली हम लोग करते हैं ज्यादातर। डस्टिंग पाउडर, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर इज यूज टॉपिकली एज एन एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बेंट लुब्रिकेटिव and protective। Dusting powder soothes to treat yeast infection या fungal infection of the mouth, vagina and skin, for example athlete foot। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ यूज जान लेते हैं किस तरह से हम लोग को डस्टिंग पाउडर का यूज करना है। स्प्रिंकल डस्टिंग पाउडर लाइटली ऑन द affected area। के बाद स्टोरेज कंडीशन भी हम लोग जान लेते हैं, कहां पे हम लोग स्टोर करते हैं डस्टिंग पाउडर को। डस्टिंग पाउडर इज स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज्ड सिफ्टर टॉप कंटेनर। एग्जाम्पल हम लोग डस्टिंग पाउडर के प्रिपरेशन का जान ले तो कैंडिड डस्टिंग पाउडर। लेबलिंग हम लोग जनरली रेड पेन से करते हैं। एक्सटर्नल यूज ओनली, ये लेबलिंग हो गया।
अब हम लोग लेबल देख लेते हैं डस्टिंग पाउडर का। ये हमारा एक डस्टिंग पाउडर का लेबल है, हल्का हल्का साइड से इधर से कट रहा है इधर से। तो ये डस्टिंग पाउडर का लेबल है, इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हमें यूज करना था वो हम लोग को करना था प्यूरिफाइड टाल्क, स्टार्च और जिंक ऑक्साइड। 5 ग्राम के लिए है तो 2.5 ग्राम हम लोग प्यूरिफाइड टाल्क ले रहे थे, स्टार्च और जिंक ऑक्साइड 1.25 ग्राम ले रहे थे। यूज इसका प्रोटेक्टिव एंटीसेप्टिक डस्टिंग पाउडर के तौर पे यूज होता है। लेबलिंग फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, स्टोरेज कंडीशन स्टोर इन अ वेल क्लोज शिफ्टर टॉप कंटेनर। इधर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, LIC नंबर, MRP जो प्राइस आप लोग को रखना है और मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ उसका एड्रेस, उसका नाम और इसका एक्सपायरी डेट बेसिकली 3 months का रहता है। अगर आप लोग को 10 ग्राम प्रिपरेशन वाला लेबल भी देखना है तो वो ये है, ये 10 ग्राम का है। यहाँ पे प्यूरिफाइड टाल का क्वांटिटी डबल हो गया, स्टार्च का डबल हो गया और जिंक ऑक्साइड का भी क्वांटिटी डबल हो गया और सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको प्रिपरेशन में जो प्रोसीड्यूअर है प्रिपरेशन का उसमें क्वांटिटी आप लोग को इंक्रीज करना रहेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।